मंडला में भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ शंखनाद किया। पूरे प्रदेश में डर, भय, भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में बनाया हुआ है। पैसा आज मंडला में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सांसद द्वारा श्री कैलाश सोनी संपतिया उइके ने प्रदेश सरकार की कमियां गिनाई। घंटा मंजीरा बजाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटानाद रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर मंडला जिला मुख्यालय में राज्यसभा सांसद द्वय श्री कैलाश सोनी संपतिया उइके के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शंख, घंटा, मंजीरा बजाते हुए प्रदेश की कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई कमलनाथ सरकार को जगाने के लिए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता और आमजनों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी ने कहा कि हम आज इस आंदोलन के माध्यम से प्रदेश की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए घंटानाद आंदोलन कर कांग्रेस की 9 महीने की सरकार के दौरान प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार, डर, भय के वातावरण से अवगत कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश को कर्नाटक बनाने की तैयारी है। सबसे पहले तो आज आंदोलन, जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन हुई और ये आंदोलन सफल रही, जिसके कारण से मैं मीडिया के समस्त बंधुओं को और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बरसते पानी में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे उपस्थित हुए और आज कलेक्ट्रेट का घेराव किए। और मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से आज तक जितना मेरी राजनीति हुई उसमें पहली बार मैं देख पा रही हूँ कि मीडिया को प्रेस विज्ञापन दिए हूँ। और हमेशा ये होता था कि कलेक्टर को ज्ञापन देते थे और वो ज्ञापन कहाँ जाता था पता भी नहीं चल पाता था, किंतु मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि हम चूँकि हमेशा जनता के मसले उठाते रहते हैं और चौथा स्तंभ मीडिया है, इसलिए हम मीडिया को देंगे ताकि जनता तक पहुँचा पाएंगे। और आज हम लोगों ने आज यहाँ पे पूरे समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आज आप लोगों के लिए उनकी सरकार को हटाने के लिए आयोजित है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि कितना आक्रोश व्याप्त है कि बरसते पानी में 2 दिन से पानी थमा नहीं, सारे मार्ग रुके हैं, उसके बावजूद हजारों की तादाद में यहाँ हमारी बहनें भी और सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात ऊपर तक जाए और सरकार जितना हो सके तत्काल ये रवैया सुधारे। वैसे सुधारने की कोई स्थिति नहीं है। आम जनता से हम आह्वान करते हैं कि सब जगह अपना आक्रोश व्यक्त करें ताकि ये लॉलेसनेस की स्थिति, जन सरोकारों की जो उपेक्षा है वो समाप्त